नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं 22 से 28 जून के साप्ताहिक राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपका जन्मदिन है इस सप्ताह में तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, एक एक दिन का हाल बताऊंगा और उसके साथ साथ आपकी राशि का भाग्य प्रतिशत और आपको क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है और क्या उपाय करने चाहिए, उन सब की जानकारी भी दूंगा। इस वीडियो को देखकर समझकर आप अपने आगे आने वाले 7 दिन को प्लान कर सकते हैं। समझ लीजिए ये वीडियो आपको ये बता देगा कि कल आपके साथ क्या अच्छा बुरा होने वाला है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें ताकि आप तक सभी सही सही वीडियो सही सही वक्त पर पहुंचती रहें और आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करेंगे कुंभ राशि की। सप्ताह की शुरू की जो अवधि है वो खुशियों से भरी है। सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा, दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ बढ़िया समय बीतेगा, पार्टी में घूमना फिरना होगा, मौज मस्ती में समय बीतेगा, एक अच्छे प्रभावशाली इंसान के रूप में आप अपनी पहचान बनाएंगे। नेक कार्यों से जुड़कर, सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर आप सभी के चहेते बन जाएंगे। आपका जो काम है वो आपको नई पहचान देगा, नया नाम देगा। इस कारण से आप कुछ अतिरिक्त बोझ भी झेलेंगे। सप्ताह के अंतिम दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से आप व्यस्त रहेंगे। आप मनोरंजन की गतिविधियों पर अधिक खर्च करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टेबाजी की गतिविधियों में निवेश करने के लिए अनुकूल समय है। अपने संबंधों को बहुत मजबूत रखिएगा वरना दिल भटक सकता है। 22 जून की बात करें, आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त होंगे। छोटे भाई बहनों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे। धैर्य बनाए रखें और अपने कामों को चालू रखें। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनाना आपकी बहुत जरूरत रहेगी वरना घर में कलह कलेश हो जाएगी। आपके बच्चे आपको श्रेष्ठतम परिणाम देंगे। 23 तारीख की बात करें, 23 जून की, तो आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपनी हिम्मत और अथक प्रयासों से अपने कार्यों में सफलता लानी होगी। आपकी सहायता की जाएगी, आपको हर मुसीबत में आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे। आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं वो सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों को शुभ समाचार मिलेगा। प्रेमी प्रेम का और को बहुत अच्छा वक्त मिलेगा मिलने का। यह समय किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए भी शानदार रहेगा। बात करेंगे 24 जून की। आज आप थकान और आलस के शिकार होंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला आपसे कठिन मेहनत कराएगा। धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी अपने उद्देश्यों में सफल रहेंगे। 25 जून की बात की जाए तो कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे उसकी सफलता के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य धारण करें और अपने सभी कामों को चालू रखें। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपके रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे। आपके बच्चे आपको बढ़िया परिणाम देंगे। 26 जून की बात करें तो आज के दिन आप तनाव और समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। हर चीज जो आपको चाहिए थी वो मिल जाएगी। परिवार में मित्र मिलेंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं माता पिता से। आपके संबंध आपकी माताजी से अच्छे बने रहेंगे। आपकी जमा पूंजी को ये वक्त बढ़ा देगा। 27 जून की बात करें तो आपको आपकी माताजी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कोई संपत्ति या घर खरीदना चाहते हैं तो दिन समय अच्छा है। यदि आप कोई घर की जरूरत का सामान लेना चाहते हैं, कूलर, एसी, फ्रिज वगैरह, तो आप ले सकते हैं। पिक्चर देखने का शौकीन है तो आप पिक्चर देख सकते हैं। पीछे अच्छी वाली सीटों पर बैठकर आप हॉल में टिकट बुक कराएंगे। आप किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने के लिए भी जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप घर से बाहर रहेंगे, कुछ अच्छा लग्जरी इस्तेमाल करने के लिए आपके मन में प्रोग्राम बनते रहेंगे। बात करेंगे 28 जून की। आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। आप अपने बच्चों को शुभ समाचार सुनाएंगे। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना थोड़ी सी कम है। आप अपना कार्यपूर्ण आत्मविश्वास और बुद्धिमान और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करिएगा और आज के दिन जुए और सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है।
विद्यार्थी पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन कार्यों में लगे रहे, व्यापारियों को नए उद्योग लगाने के लिए पैसा चाहिए, और क्या कहते हैं, आपको बहुत संभल कर रहना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको बहुत संभल कर रहना होगा और आपको बहुत बचाव भी करना होगा, तभी आप मुक्ति पा पाओगे इन सब अशुभ योगों से। तो कुल मिलाकर आप लोग इंजॉय करें। आपके लिए जो भाग्य प्रतिशत है वो है 55% और शुभ अंक रहेगा 9। तो इंजॉय करिए और मौज मस्ती करिए और मुस्कुराते रहिए। हरि ओम, नमस्कार। क्या आपके पास आपकी जन्म कुंडली है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष से उसका विवेचन कराया? शायद नहीं। जन्म कुंडली में क्या लिखा होता है? जन्म कुंडली में ये लिखा होता है कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। जन्म कुंडली में ये लिखा होता है कि आपके ग्रह कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं। आपकी जन्म कुंडली में कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, इन सब की जानकारी जन्म कुंडली में होती है। इस जन्म कुंडली में लिखा होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी नौकरी अच्छी रहेगी, कौन से क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आप जहां पैदा हुए हैं वहां सफलता मिलेगी या दूर जाकर सफलता मिलेगी या विदेश में सफलता मिलेगी, शादी कब होगी, किसके साथ हो सकती है, जीवन साथी किस राशि का होगा तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा, शादी के बाद संतान किस प्रकार की होगी, सेहत कैसी रहेगी, यात्राएं, खुशियां, मांगलिक कार्य, ये सब चीजें आपकी कुंडली बताती है। आपके जीवन में आप कब अच्छे होंगे, कब बुरे होंगे, कब गरीब होंगे, कब अमीर होंगे, कब महाअमीर होंगे, ये सब आपकी कुंडली बताएगी। अब ये सब जब आपकी कुंडली बताती है और वही कुंडली आपके पास नहीं है तो आपका जो जीवन है वो अधूरा नहीं, जीरो है। क्या समझे? जीरो। जैसे बच्चा अगर किसी किताब को खोले नहीं, उसको पैक की पैक रखे और एग्जाम देने चला जाए तो जीरो नंबर लाता है, वैसे ही जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को समझेंगे नहीं, ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे तो आपको भी जीरो नंबर मिलेंगे इस जीवन में। अब सफलता पाना या ना पाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो फिर अपने हाथ की रेखा से आप अपनी जन्म कुंडली को जानिए, अपने अंक शास्त्र से जानिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सफल होने की। तो मैं यही कहूंगा, आपके दिमाग में जो प्रश्न है इस समय, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके दिमाग में जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपकी जन्म कुंडली दे सकती है, मैं दे सकता हूं। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अपनी जन्म कुंडली बनाइए। ये मत सोचिए कि आपकी जन्म कुंडली से दूसरों को क्या लाभ होगा, ये सोचिए आपकी जन्म कुंडली बन जाने से आप कितने अधिक सफल हो जाएंगे। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और अपने अधूरे जीवन को पूरा करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपको ये वादा करता हूँ कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, ऐसे सटीक उपाय जिससे महीनों में नहीं कुछ ही दिनों में आपका जीवन बहुत नहीं बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।